हेलो मई जान, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो आज के वीडियो में कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड फोटो एडिटिंग हुआ है। तो आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे, भाई यूट्यूब पे वीडियो लाओ, यूट्यूब पे वीडियो लाओ। लो भाई, वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे। आप लोग वीडियो को फुल नहीं देखते हो, इसीलिए आप लोग भी फेस स्मूथ नहीं कर पाते हो। तो वीडियो से शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे अपने ओरिजिनल पिक। ये मेरा रहा ओरिजिनल पिक, आप लोग देख सकते हैं कितना हार्ड हुआ है फोटोशूट। तो यहाँ से चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से शेयर करेंगे अपने अगले ऐप में, अगले ऐप का नाम स्नैपशीट में। और स्नैपशीट में आने के बाद फ्रेंड मेरा फ़ोटो लोड हो रहा है, कुछ थोड़ा हाई क्वालिटी का है। और यहाँ से टूल्स पे जाएंगे और सबसे पहले जो हीलिंग है ना, उसको हीलिंग पे जाएंगे। और हल्का हल्का आपको जो फेस पे मतलब जहाँ भी फूसी और वो पिंपल दिखाई देता होगा उसको आप लोग इरेज कर दीजिए और यहाँ सेव कर दीजिए। फिर पुनः टूल्स पे जाएंगे और सबसे पहले टून इमेज पे जाएंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम ले लेंगे और हाईलाइट को थोड़ा से कम कर देंगे माइनस, और शेडोस को थोड़ा से बढ़ा लेंगे और एम्बिएंस को भी हल्का से बढ़ा लेंगे और यहाँ फोटो कर देंगे सेव। और फिर टूल्स पे जाएंगे और डिटेल्स पे जाएंगे और शार्पिंग को बढ़ा लेंगे कम से कम 50 और सेटुरेशन को ले लेंगे 20 और यहाँ से फोटो कर देंगे सेव। और यहाँ से इसका एक जाएँ पे और व्यूज एडिट पे जाएंगे और यहाँ से डिटेल्स पे जाकर ब्रश को यूज चूज करेंगे और अपने खाली हेयर पे और मतलब दाढ़ी वाड़ी पे लगाइएगा जैसे फ़ोटो HD हो जाए। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिएगा तो सेम मेरे जैसे फ़ोटो एडिटिंग कर लेंगे फ्रेंड। चलिए यहाँ से हम पिन बैक आते हैं और यहाँ से फ़ोटो करते हैं शेयर अगले ऐप में। अगले ऐप का नाम लाइट रूम। तो मेरा फ़ोटो लाइट रूम में आ चुका है। तो यहाँ से कुछ इस टाइप का गैलरी में जाएंगे और इस वाले फ़ोटो को हटा सकते हैं फ्रेंड। और ये जो सोनू भाई का पीसेट है ब्लैक, उस देख सकते हैं पीसेट। और इसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे और कॉपी सेटिंग करेंगे क्रॉप और नीचे वाले को क्लिक करेंगे और यहाँ से बैक आएंगे और अपने फ़ोटो को लेंगे फ्रेंड। और थ्री डॉट पे क्लिक करके नीचे पे सेटिंग लिखा है उस पर पेस्ट कर देंगे। और सबसे पहले हम आएंगे और थोड़ा इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले हम आएंगे लाइट पे और ब्लैक्स को थोड़ा से 40 के आसपास रख लीजिएगा। और कलर्स में जाएंगे मिक्स में और हरे वाले को ह्यू को 38 रख लीजिएगा और सेटुरेशन को 54 के आसपास रख लीजिएगा। और फिर पीले वाले को ह्यू को प्लस कीजिएगा फ्रेंड और यहाँ सेटुरेशन को बढ़ा लीजिएगा हल्का से। देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कितना हार्ड हो चुका है बिफोर एंड आफ्टर। और यहाँ से हम फोटो को करेंगे शेयर ऑटो डेस्क में। और भाई लोग, आप लोग का बहुत सा कमेंट रहता है भाई फेस स्मूथ। तो भाई देख सकते हैं उसमें अपना सेटिंग हम आप लोग को बता दे सकते हैं। ये ब्रश क्लिक कीजिएगा और सेटिंग पे आइएगा 1 और 13 रख लीजिएगा और ऊपर वाले को अपने हिसाब से रख सकते हैं और अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और इसको ब्रश को मतलब ऐसे फ़ोटो को मतलब जैसे मांगेगा वैसे आप लोग स्मूथ कीजिएगा फ्रेंड। है जल्दी जल्दी में कैसे भी स्मूथ कर देंगे तो फेस ख़राब हो जाता है फ्रेंड। तो देख सकते हैं ये कितना हार्ड हो रहा है। और इसको थोड़ा सा यहाँ से उसका जो साइज होता है उसको कम कर लीजिएगा और फ़ोटो को नचा के स्मूथ करेंगे तो एक सबसे बेहतरीन फ़ोटो स्मूथ ऐसा ही होता है फ्रेंड। कोई बताता नहीं है कैसे फ़ोटो स्मूथ किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ही हार्ड एक पार्ट हो चुका है। और यहाँ से आप लोग जितना फ़ोटो को घुमा घुमा स्मूथ करेंगे उतना ही हार्ड होगा। और ऐसे मान लीजिए कैसे भी कर देंगे तो नहीं सही होगा फ्रेंड, इसलिए फ़ोटो को एकदम इत्मीनान से और अपने फ़ोटो को जैसे मांगेगा मतलब स्मूथ करने का वैसे स्मूथ कीजिएगा। और यहाँ से थोड़ा सा साइज को बढ़ा लीजिएगा और यहाँ से वैसे फ़ोटो को घुमा के स्मूथ करेंगे तो बहुत ही हार्ड होगा और मस्त ही स्मूथ होगा। तो चलिए वीडियो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं फ्रेंड, बहुत लंबा हो जाएगा।
तो वीडियो आप लोग भी नहीं देखते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हैं मेरा फ़ोटो स्मूथ हो गया। तो यहाँ पे जाएंगे, एक और लेयर बनाएंगे, एक और बॉक्स, और यहाँ से अपने मतलब दूसरा ब्रश चूज करेंगे और अपने थोड़ा सा लिप पे आप लोग लगा सकते हैं, मतलब फ़ोटो में कुछ अलग ही इफ़ेक्ट लाने के लिए। और आप लोग ऐसे मतलब फ़ोटो एडिट करेंगे 100% है कि आप लोग ऐसा फ़ोटो एडिट कर लेंगे। और यहाँ से ऑपसिटी को कम कर दीजिएगा, जितना मन को इतना पर रख सकते हैं, इतना पे अपने हिसाब से आप लोग रख लीजिएगा। तो हमको इतना ही रखना है फ्रेंड। तो यहाँ से चलिए फ़ोटो को हम शेयर करते हैं अगले ऐप में। सेव का नाम है फ़ोटो रूम। तो ये रहा मेरा फ़ोटो रूम, और इसको बैकग्राउंड को हम इरेज करेंगे फ्रेंड, और वो भी एक क्लिक में, ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। देख सकते हैं अभी फ़ोटो डाउनलोड हो रहा है इसमें और इरेजिंग हो रहा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। देख सकते हैं फ़ोटो एक क्लिक में कितना इरेज हो चुका है, कितना ही हार्ड। तो डाटा ऑन कर कीजिएगा फ्रेंड, बिना डाटा ऑन किए बिना नहीं हो पाएगा। और यहाँ से अपने फ़ोटो को मतलब अपडेट मांग रहा है ऐप को, अभी अपडेट नहीं करना है। और यहाँ से फ़ोटो को इसको ऐड क्लिक करके और यहाँ से शेयर बटन पर क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से नीचे वाला जाके और सेव टू गैलरी कर दीजिएगा। फ़ोटो मेरा सेव हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से चलते हैं अगले ऐप में। फ्रेंड देख सकते हैं ये मेरा बैकग्राउंड है, और इसी बैकग्राउंड पर हम फ़ोटो को मतलब इस पर ऐड करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम फ़ोटो करते हैं शेयर बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट में। फ्रेंड कुछ करना नहीं, बस अपने फ़ोटो को थोड़ा क्वालिटी देना रहता है, और उसमें अब अपने सीवी बैकग्राउंड को इसी में से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स पे, और ग्रुप पे जाके जो पारी पार्ट वाइट दिख रहा है इसको हम दोनों तरफ से इरेज कर देंगे, और यहाँ फ़ोटो कर देंगे सेव। और यहाँ सब ऐड फ़ोटो पे आएंगे और अपने फ़ोटो को क्लिक करेंगे, और यहाँ से इसको अपने हिसाब से बैठा, आप ब्रश के हिसाब से आप लोग इसको फ़ोटो रूम हटा सकते हैं। देख सकते हैं कितना ही हार्ड हो रहा है इरेज, जो भी पार्ट इरेज करेंगे हो जाएगा फ्रेंड इस। अब इसको जो मेरा वो जो है बाहर दिखाई दे रहा है, इसको हम स्मूथ कर देंगे, मतलब जैसे इरेज कर देंगे यहाँ लगेगा नहीं कि मेरा कुछ शरीर है। और आप लोग भी थोड़ा आराम से कीजिएगा, फास्ट करेंगे तो ख़राब हो जाएगा फ्रेंड। और देख सकते हैं कितना ही हार्ड हो रहा है, और कितना ही हार्ड हो चुका है। और यहाँ से हम फोटो कर देंगे सेव। सेव करने के बाद सबसे पहले हम जाएंगे अपने ऐड फोटो पे, और सबसे नीचे फ़ोटो रूम में जिससे हम फ़ोटो को बैकग्राउंड इरेज किए हैं। और सबसे पहले अपना हेयर लेंगे, और कुछ इसको ऑपसिटी को कम कीजिएगा, और ऑपसिटी कम करेंगे, और यहाँ से ब्रश के माध्यम से जो है बाहरी पार्ट है उसको हम इरेज कर देंगे। आप लोग भी आराम से कीजिएगा, और यहाँ से फ़ोटो क्लिंग और ऑपसिटी को 100 कर देंगे, और यहाँ से फ़ोटो को जूम करके अपने हैंड पे बैठा देंगे। तो देख सकते हैं कितना हार्ड बैठ चुका है। तो यहाँ से हम फ़ोटो करेंगे सेव, और पुनः ऐड फ़ोटो पे जाएंगे, और कैमरा गैलरी में जाएंगे, और इसमें जो मेरा 2-3 PNG है उस PNG को लेंगे, और यहाँ पे इसको ब्लेंड पे जाके आप लोग कम कर दीजिएगा, और इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लीजिएगा ऐसे, मतलब जो भी लगाना हो आप लोग लगा सकते हैं। ब्रश के माध्यम से जो ऊपर का पार्ट है उसको आप लोग चारों तरफ का इरेज कर दीजिएगा कि देखने में लगे हाँ इसको। सॉरी फ्रेंड, इसको आराम से कीजिएगा, नहीं तेज़ी करेंगे तो ख़राब हो जाएगा फ्रेंड।
और जो भी ये दिखाई दे रहा है इसको आप लोग भर दीजिए, और यहाँ से एक और लेयर बनाइएगा और इसका डुप्लिकेट बना बना इसी पे ऐसे ही लगाते चल जाइएगा। देख सकते हैं कितना हार्ड लग रहा है, और यहाँ से एक और डुप्लिकेट बना बना ऐसे लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं लग चुका है, और इसको फोटो करेंगे यहाँ से सेव, और ऐड फोटो पे जाएंगे, और एक और पीएनजी है मेरा फ्रेंड, उसको हम अपने मतलब उसको भी ले चलेंगे, उसी पे ऐड करना है। और आप लोग देख सकते हैं कितना ही हार्ड ऐड होगा इस पे, और देख सकते हैं ऐसे हो चुका है फ्रेंड। और यहाँ से इसको कीजिएगा, और बर्फ़ के माध्यम से जो बाहरी पार्ट है इसका भी इरेज कर दीजिएगा, और एक और इसका भी डुप्लिकेट बना लीजिएगा फ्रेंड, यहाँ से डुप्लिकेट बना के इसी पे ज्वाइंट कर दीजिएगा। और देख सकते हैं मेरा फ़ोटो कितना ही हार्ड हुआ है, तो और यहाँ से हम आएँगे, इफ़ेक्ट पे, और इफ़ेक्ट पे जाने के बाद ब्लर पे क्लिक करेंगे, और ब्लर क्लिक करके यहाँ से हम, और यहाँ से इसको करके, और जो ये भी जो भी लिखा है इसको आपको इतना ब्लर कर दीजिए, और फोटो कर दीजिएगा सेव। और सबसे जाएंगे अब रिटच में जाएंगे, रिटच में जाने के बाद इस पर ब्लेंड डिटेल्स पे जाएंगे, और अपने जो भी ये बाहरी मतलब ओनली हेयर पे और दाढ़ी पे आप लगाइएगा फ्रेंड, और यहाँ से कर दीजिएगा डन, और यहाँ से फोटो कर दीजिएगा सेव, और यहाँ से जाइएगा टूल्स पे, और सबसे पहले एडजस्ट पे जाके और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, और शेडोज को भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, और कंट्रास्ट को भी हल्का से बढ़ा लीजिएगा, और यहाँ से फोटो कर दीजिएगा सेव। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना ही हार्ड मेरा फोटो एडिट हुआ है। तो आप लोग भी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, कि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप सभी के फाट नोटिफिकेशन जाए, और आप लोग यहाँ जाके फ़ोटो को कर लीजिएगा सेव। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।